बाबा जी के साथ उनकी शॉप शॉप पे। ये पे बाप भी जा रहे हैं और मम्मा भी जा रही हैं। तो घर से मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम घर से निकलते हैं, यहाँ पर एक दो गली में निकल के आगे रिक्शे गुजरते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और बस 5 मिनट में जो है वो मेन जो बाज़ार है बाबी चकवाल का, उससे पीछे ही थोड़ा हम मेन रोड पे उतर जाते हैं और वहाँ से फिर अंदर गलियों गलियों में से निकल के तो अबू जी की शॉप पे पहुँच जाते हैं। जैसा कि अभी हम पहुँच चुके हैं और अबू यहाँ पर इसका दरवाज़ा खोल रहे हैं और मैं तो फौरन इंटर होने वाली थी, लेकिन अबू ने बताया था कि उनकी स्मेल होती है तो वो थोड़ी देर 5-10 मिनट बाहर खड़े रहो, ग्लास लगाया वो लगाते हैं, कुछ देर लगती वो लगाते हैं जिससे उसकी स्मेल जो है वो रेडर थोड़ा बाहर निकल जाए, तो उसके बाद अब अंदर जाएंगे। इबाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत टाइम बाद, बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला और वो भी इस टाइम सुबह सुबह हम नहीं आते, अभी 9:30 का टाइम है और शाहान तो उसका फेवरेट पर्सन है तो उसके साथ आया हुआ तो और ही ज़्यादा एक्साइटेड है। अबू सबसे पहले आके इनसे सलाम दुआ करते हैं और सबसे प्यार करते हैं। इसको आजकल ज़्यादा अटेंशन इसलिए मिल रही है कि इसके एक दो दिन पहले ही इसने बेबीज दिए हैं तो अबू इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वैसे तो सभी का रखते हैं लेकिन जिसने बच्चे दिए हो तो उसको ज़रा स्पेशल अटेंशन मिलती है। और ये देखिए शायद ये जेलस हो रहा है, ये वाला रैबिट जो है वो मजान का फ्रेंड बन गया था क्योंकि वो उसको हाथ लगाने दे रहा था और जो भी चीज़ वो दे रही थी वो खा रहा था। और अभी पहले अबू सबसे मिलते हैं और उसके बाद अबू यहाँ पर सबको खाना डालते हैं, इनको सबसे पहले आकर पानी चेंज करते हैं, खाना डालते हैं। कुछ नहीं गए तो बच्चों को भी चेक इसने बाबा जी की सीट संभाल ली है जनाब, आज ये ड्यूटी देगा। इबाद इबाद हेलो 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 तो आइए जी आपको बाबा जी की शॉप पे दिखाते हैं रैबिट्स उन्होंने रखे हुए हैं। एक तरफ वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का काम करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पे रैबिट्स रखे हुए हैं और मजान से ही इंजॉय कर लिए रैबिट्स के साथ। ये हैं फुल व्यू, एक तरफ रैबिट्स हैं दूसरी तरफ उनकी कुछ खुराक वगैरह है, इधर पानी है। तो ये है सबसे पहले जिसका नाम है न्यूजीलैंड वाइट, इसकी जो रैबिट की जो किस्म है ना वो ये है। ये इसकी आईज देखिए, इसने भी अभी बच्चे दिए हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। और ये अपने ही बाल उतार के जो है ना, फीमेल जो है जब बच्चे देती है उससे पहले ये अपने बाल उतार के उसने ये इस तरह घर का छोटा सा बेड बनाती है, इसके नीचे इसके बच्चे हैं और ये इतना बड़ा है। अभी भी वीडियो में इतने नहीं आते, मैंने भी पहले आज तक वीडियो में ही देखे हुए थे, आज ही देखे। और ये दो, इसके बाद है ये वाला,
ये है जनाब, ये भी शायद न्यूजीलैंड वाइट मेल है, ऊपर फीमेल थी और ये मेल है। और इधर ये है जी फ्लेमिश फीमेल, ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये देखिए जनाब इतना प्यारा है, लगाओ मरजान के लिए मैंने इसे हाथ लगाना है। इसने भी बच्चे दिए हुए हैं और अभी वो बहुत छोटे हैं, कल परसों ही हुए हैं, ये नज़र नहीं है, हल्के हल्के सिल रहे हैं। ये देखें इसके नीचे, इसने भी अपने ये बाल थोड़े तोड़ के ना, ये ब्राउन है इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन इसने भी अच्छे खासे अपने बाल तोड़ के पीछे करो। ये इनका खाना होता है और ये हैं जी फ्लेमिश फीमेल, इसको करते हैं जी हम बंद। और नीचे फ्लेमिश जो है वो मेल है इसका, ये मेरे ख्याल में सो रहा है कि क्या कर रहा है, वो वाला सो रहा है। और इधर आ जाए तो ये भी न्यूजीलैंड 10 फीमेल लिखा हुआ है, इसकी आईज माशाल्लाह बहुत प्यारी है और इसने भी मुंह उधर किया। ये देख आईज चेक करें इसकी, कितनी प्यारी आईज है, इसके भी बच्चे हैं इसमें, इसकी आईज कितनी प्यारी है। ये इनका पानी होता है और ये भी ये इसका मेल है, ऊपर फीमेल मैंने आपको दिखाई थी, लड़का। और ये अभी मुझे ये हमें इसका मेल है, ये उधर मुँह करके सो रहा है। और ये देखें जी ब्लैक एंड वाइट, ये हैं लाइन इंगोरा, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, एक ब्लैक है और एक ग्रे और वाइट है। ये देखिए ये देखिए, ये जी इसके बच्चे हैं, उन्हें तकरीबन महीना मेरे ख्याल में हो गया, महीने से ज़्यादा। ये कितने वाले वाले से बच्चे हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। ये आगे ये सारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, हल करने देते लगाओ, ये लगाने देता। चल पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे 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 पीछे, और नीचे वाला खाली है, खाना खा रहे बस खा रहे। ये देखो जे 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 अंगूरा, तो ये सारी अबू ने रैबिट की ब्रीड्स जो है जो कि मैंने आपको डिटेल में थोड़ी दिखाई हैं, और जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बताया है। काफ़ी ने बच्चे भी दिए हुए हैं, तो उन बच्चों को अगर कोई बाय करना चाह रहा है, ख़रीदना चाह रहा है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है कमेंट बॉक्स में भी, प्लस मैंने एक ईमेल एड्रेस भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप ईमेल करके मुझसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और अगर कोई इनके बच्चे ख़रीदना चाह रहा है तो वो भी आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं। मेन जो है वो चकवाल सिटी में छप्पर बाज़ार में ये शॉप है, अगर आप आकर भी देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको उसका शॉप की लोकेशन भी आपको बता दूंगी। और जी अभी मैंने यहाँ पर मंगवाया है पराठा गरम गरम, और साथ है चाय। अरे बात शायान के साथ खेल रहा है मजे से। अभी हम करने लगे यहाँ पे नाश्ता, गरम गरम बाजार की चाय, एक कप चाय, आए हाय आए हाय।
और बाद इधर थोड़ा थोड़ा तंग होना शुरू हो चुका है। अब तो मैं इसके लिए घर से भी कुछ चीज़ें लेके आई थी। असल में ये अब इसका होने वाला है सोने का टाइम, तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। चलो ओ ये आधा पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे सारे रैबिट्स होते हैं और इस वाले पोर्शन में अबू रिपेयरिंग का काम करते हैं। नाश्ता हमारा हो चुका है ख़त्म, अभी अम्मा पे जा रहे हैं। बाय 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 बाय। और ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा छप्पड़ भी दिखा दें। ये दोनों तरफ शॉप्स होती हैं और हर किस्म की शॉप्स होती हैं। बीच में ये रेड़ी वालों ने अपना कुछ लगाया हुआ होता है, सब्जियां। और जाते जाते मेरी $1 शॉप पे नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा यहाँ से भी चक्कर लगा लेते हैं। अब तो खैर $1 बहुत ही फेमस हो चुकी है हर जगह पे। मानसेरा में भी काफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ पर भी एक अच्छी सी बड़ी शॉप है और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। मरजान के लिए यहाँ से हमने ट्राई लिया था काफ़ी दिनों से, वो एक छोटे से ये वाला जो सामने नज़र आ रहा है ये वाला ब्लॉक्स लेना चाह रही थी। वहाँ पर मानसेरा की किसी $1 ब्रांच में नहीं था, तो मैं यहाँ से ले लिया था। और इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी मिनिएचर टाइप की, तो वो तो मेरा खुद अपना लेने को दिल कर रहा था। ये सारी स्लाइम है। ये बुलबुले वाला तो मैं उस दिन कह रही थी। अच्छा बच्चे देखिए यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे लग रहे हैं, सही गरम गरम वाले। ये मेरे बात क्या कर रहा है। बस हो गया।